अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सैफ है और आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप आसानी से खून की रिपोर्ट यानी कि सीबीसी को घर बैठे पढ़ सकते हैं। हम में से जब भी कोई शख्स बीमार होता है तो मोस्ट कॉमन टेस्ट सीबीसी कराया जाता है। सीबीसी में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, मगर सबसे कॉमन एलिमेंट जो एक आम इंसान को समझने चाहिए उनमें तीन चीज़ें शामिल होती हैं। नंबर वन पे WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, नंबर टू पे प्लेटलेट्स और नंबर थ्री HB। अगर आप सीबीसी में से इन तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आपके जिस्म में इन्फेक्शन कितनी है और आपको डॉक्टर के पास अर्जेंट जाने की ज़रूरत है या नहीं। इस वीडियो में मैं आपको इन तीन चीज़ों को स्टेप वाइज समझाऊंगा और उम्मीद है कि वीडियो के लास्ट तक आपको खून की रिपोर्ट घर बैठे पढ़ना आ जाएगी। इन तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने से पहले इस बात को भी माइंड में रखें कि डिफरेंट लैब्स की जो सीबीसी रिपोर्ट का प्रिंट आउट होता है वो डिफरेंट हो सकता है, उसमें तरतीब डिफरेंट हो सकती है, मगर ये तीन चीज़ें यानी कि WBC, प्लेटलेट और HB ये सीबीसी रिपोर्ट में ज़रूर मौजूद होती है। रिपोर्ट में आपने सबसे पहले देखने हैं WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स जरासीम से लड़कर हमारी बॉडी को डिफरेंट किस्म की बीमारियों से बचाते हैं। WBC की नॉर्मल वैल्यू होती है 6000 से 11000, और अगर इनकी वैल्यू नॉर्मल रेंज से बड़ी हो तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन चल रही है, हमें प्रॉपर डॉक्टर से चेकअप और एंटीबायोटिक की ज़रूरत है। रिपोर्ट में दूसरे नंबर पर आपने HB यानी कि खून की मकदार देखनी होती है। इसकी नॉर्मल रेंज 12 to 16 तक होती है, और अगर ये 12 से कम हो तो आपको डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करा के सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। रिपोर्ट में तीसरे नंबर पर आपने प्लेटलेट्स यानी कि खून जमाने वाले खुलिए देखने होते हैं। ये नॉर्मली 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होते हैं, और इनकी वैल्यू उन लोगों में ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं जिनको हेपेटाइटिस सी या जिगर की कोई और बीमारी हो। प्लेटलेट्स की वैल्यू 1.5 लाख से कम हो तो फौरन डॉक्टर से प्रॉपर चेकअप करवा के फर्दर टेस्ट करवाने चाहिए और इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। सीबीसी रिपोर्ट में इन तीन चीज़ों के अलावा और भी ढेर सारे डिफरेंट पैरामीटर्स दिए होते हैं, बट एक कॉमन पर्सन के लिए इन तीन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना इज मोर देन एनफ। आज की वीडियो को यहाँ पे ख़त्म करते हैं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।